आज जो हम लोग क्लास ले रहे हैं वो है लेक्चर 2 हमारा। और लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ के रहे हैं, एक्चुअली वी आर स्टडिंग अ चैप्टर कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज द चैप्टर वी हैव टू स्टडी। दिस इज यूनिट 3 ऑफ एनसीईआरटी last year. तो motion in straight line ये हमें पढ़ने के लिए हमें छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे। धीरे धीरे वी आर टू रीच टू दैट लेवल। तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन फिर पढ़ना होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Distance and displacement. फिर हम पढ़ेंगे speed and velocity. There is rate पढ़ना होगा हमें, that is average rate or instantaneous rate. This average rate and instantaneous rate. Then we have to talk about this could be taken as a 3. I should say that this will be taken as this will take as a 3. And this is 3 and this we will take as a 4. It's from 4. So rest and motion, distance, displacement, then we should talk about rate. Then we talk about speed and velocity, and then we should talk about acceleration. Then we talk about equation of kinematics. And then we'll talk about graph. And then we should be able to know about like this differentiation. Then this is integration. And then numericals. I should say then relative velocity. Okay, relative velocity will study after vector. So numericals. So this is what lecture 1 is going. We have already done. This is lecture 2. जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। Lecture 2 में मैंने ये बताने की कोशिश करा कि हम लोग ये chapter पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ये सब कुछ चल रहा है। आज का जो हमारा lecture होएगा, this will be covering this rest and motion. ये हमारा लेक्चर 2, दिस इज आवर लेक्चर 2, ये हमारा टॉपिक। वी शुड बी इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर 2 वेरी नाइसली। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, वी टॉक अबाउट रेस्ट एंड मोशन। इसको समझने के लिए एक छोटा सा ओपनिंग कर लेते हैं हम आपसे। पहले स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें। व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैसेस एंड देन प्लाज्मा एंड देन Bose and Stein condensation state. जैसे 9th क्लास में 10th क्लास में हम लोग इनके बारे में सुनते थे, बट आई टोल्ड यू दैट इनका डिटेल हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। और ये दो चीजें आपको बताई जा रही हैं जो कि हायर क्लासेस में हम लोग इसके बारे में। Now if I say what is the states of body?
स्टेट्स ऑफ बॉडी किसको कहेंगे, स्टेट्स ऑफ बॉडी का क्या मतलब है? स्टेट्स ऑफ बॉडी मीन्स देयर आर टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट, अनदर इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ रेस्ट एंड दिस इज स्टेट ऑफ मोशन. तो हमें बारी बारी से लाइक बाई ईच पुटिंग ऑफ फोकस पहले हम स्टेट ऑफ रेस्ट फिर स्टेट ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करें. ये होता क्या है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन? यू नो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में. देयर इज नथिंग लाइक बिग डील. वी ऑल नो दैट कि इफ समथिंग इज नॉट मूविंग then rest and something is moving, motion. Like कुछ लोग ऐसे कहते हैं rest, rest का मतलब move, not moving. कुछ लोग rest का मतलब क्या कहते हैं? Not moving. और motion का क्या मतलब कहते हैं? बड़ी ordinary meaning. Rest का मतलब not moving. और motion का मतलब कहते हैं? Not rest. तो अगर आप physics के student हैं, you are a student of physics, do you think that you should know this topic like this? Ya aapko isse behtar tarika aana chahiye isko define karne isko samajhne ke. To mujhe lagta hai ki aap bhi is baat ko manoge ki ek acha student wohi hoga jo in cheezon ko bahut acche tarike se physics ka student jo in cheezon ko tarike se samajhta hoga. Jaise main aapse ek baat poochu ki bhai aap ghar mein baithe hain, let's suppose you are sitting at a sofa in your drawing room. और मैं आपसे पूछूं कि आप रेस्ट में या मोशन में, तो आप कहेंगे रेस्ट में, दैट्स सो सिंपल. बट अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ बैठे हैं, तो घर में, घर कहाँ पे है, तो पृथ्वी पे. पृथ्वी मोशन में है या नहीं है, तो आप कहेंगे पृथ्वी तो मोशन में. तो अब अजीब सी बात लोग आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपने आप को रेस्ट में कहें या मोशन में कहें, कन्फ्यूजन खड़ा हो जाएगा. तो इस चीज को डील करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए वी हैव टू बी इन डिटेल टू अंडरस्टैंड कि क्या रेस्ट होता है क्या. So guys, please go with me throughout this lecture and तब हम लोग एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं. So let's go to this next page and now मैं आपको ना कुछ टर्म यहाँ पे रखा हूँ पहले से. There is a term called object, right? Object, then I'll talk about object, then observer. Observer, then surrounding, object, observer, surrounding. So there is a term called position, and then we talk about time. Well, I mean, 1, 2, 3, 4, and 5. इनको समझते हैं ये क्या चीज है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर का क्या मतलब है? लाइक आज की तारीख में, आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूँ, लेट सपोज एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा और देखते हैं कि उस एग्जांपल में ये सब कुछ कवर होता है कि नहीं होता. तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके का सड़क बना दी, कुछ इस तरीके का रोड है, और मैंने यहाँ पे एक आई एम नॉट अ वेरी गुड, दिस इज वन ट्री, फिर एक छोटा सा इस तरीके का कोई ऐसे है, फिर एक दूसरा ट्री बना लेते हैं जिसपे कुछ अलग अलग स्टाइल का ट्री है, समथिंग लाइक दिस, राइट. लेट सपोज देयर इज सम मटका केप्ट ओवर हियर, यहाँ पे कुछ रखा हुआ रेफरेंस के लिए, एंड देयर इज अ स्ट्रीट लाइट, राइट, स्ट्रीट लाइट समथिंग लाइक दैट. और इस रोड पे मैं एक बॉडी मान के चल रहा हूँ कि दिस बॉडी इज ट्रेवलिंग ऑन दिस, ये बॉडी इस पे ट्रेवल कर रही, और इस बॉडी का स्पीड है 2 meter per second, राइट. अच्छा, यहाँ पे एक ये ए है, दिस इज बी है, एंड दिस इज सी, राइट, दिस इज सी एंड दिस इज डी.
राइट। अब मैंने इसका नाम रखा राम, राइट। चलो ये राम है, दिस इज भरत, दिस इज चारू एंड डिम्पी। राम, भरत, चारू एंड डिम्पी। और एट द सेम टाइम ये इधर हमारे पास रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा मतलब आप मान लो कि एक टाइगर है, दिस इज अ टाइगर, राइट। दिस इज यहाँ पे कोई, दिस इज एलिफेंट, एलिफेंट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि और इस पे जो चल रहा है बंदा, इसके ऊपर जो चल रहा है बैठ करके, दिस मैन इज इज हिज नेम इज ललन। अब ललन 2 meters per second से जा रहा है इस सड़क के ऊपर, इज ट्रेवलिंग ऑन दिस काइंड ऑफ रोड, ऐसे ऐसे इस रोड को ट्रेवल कर रहा है, इज ट्रेवलिंग ऑन दिस। तो मैं आपसे ये पहला सवाल ये है कि ललन को कैसे पता चलेगा, हाउ ललन विल कम टू नो दैट ही इज मूविंग, ललन को कैसे पता चलेगा कि ही इज मूविंग। बड़ी सिंपल सी बात है, ललन विल लुक एट दिस ट्री, राम, भरत, चारू, डिम्पी, सबको देखेगा और देखिएगा ललन की यार कमाल है, मेरी पोजीशन ना इस ट्री से या इस एलिफेंट से या दूसरे ट्री से या राम से या भरत से, मेरी पोजीशन हर वक्त क्या हो रही है, इन सबसे चेंज। तो अगर मैं ललन के नजरिए से बात पूछूं, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ललन, ललन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ललन पॉइंट ऑफ व्यू, ललन का ललन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ललन पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से वो अपने आप को कैसे डिसाइड कर रहा है, ललन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे डिसाइड कर रहा है कि वो मोशन में है। तो ललन अपने आप में क्या हुआ, फॉर ललन हिमसेल्फ, ललन क्या हुआ, ऑब्जर्व, ललन बिकम ऑब्जर्वर फॉर हिमसेल्फ। एंड उस ऑब्जर्वर ने ये देखा कि उसकी अपनी खुद की पोजीशन, इस केस में ललन क्या बन गया है, ललन बन गया ऑब्जेक्ट, राइट, और ललन क्या बन गया, ऑब्जर्वर, दोनों बन गया। ललन क्या बना, ऑब्जेक्ट भी बना और ऑब्जर्वर बना, और ही फाइंड दैट कि ओके मी एज अ ऑब्जेक्ट फाइंड दैट राम से पोजीशन कुछ बदल रही है, भरत से बदल रही है, इस पेड़ से बदल रही है, इस एलिफेंट से बदल रही है, इस टाइगर से बदल रही है, इन सब चीजों से उसकी पोजीशन बदल रही है, दैट्स वेरी ट्रू। तो यू सी ललन फॉर हिमसेल्फ इज ऑब्जेक्ट एंड ही इज ऑब्जर्वर फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो, और ये सब क्या हुआ, ये सब सराउंडिंग हुआ, और इन सब से सारे सराउंडिंग से जो उसकी पोजीशन है, लाइक अगर मैं पूछूं इस ट्री से इसका पोजीशन क्या होगा, I'm using another color to make you understand this. तो अगर मैं बोलूं ललन का पोजीशन इससे या ललन का पोजीशन डिम्पी से कुछ ऐसे है, अगर हमने कोई और कलर ये यूज कर लिया, बोला कि ललन का पोजीशन इस मटके इस लैंप से कुछ और है, ललन का पोजीशन इस चारों से कुछ और है, सो ललन ने सबसे अपनी अपनी पोजीशन देख रखी है। I hope you guys are getting what I'm saying that कि ललन ने अपनी पोजीशन किससे स्टडी की, इस ट्री से, फिर किससे स्टडी की, इससे स्टडी की डिम्पी से। तो ललन का पोजीशन इस पेड़ से और डिम्पी से कुछ ऐसे ऐसे, फिर मैंने बोला ललन की पोजीशन जो है, ललन की जो पोजीशन है वो इस से क्या है, कुछ इस तरीके का, ललन का पोजीशन किससे, और इसका पोजीशन कुछ ऐसे है, ये पोजीशन चारों से। तो सी ललन फाइंड्स दैट यार मेरा जो पोजीशन है इस ट्री से, डिम्पी से, इस लैंप से, चारू से, कुछ ऐसे है, और वो हर वक्त क्या हो जाएगा, जैसे ललन उठ करके यहाँ पहुंच जाएगा उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। सो ललन ने पोजीशन, ललन के हिसाब से उसका पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन इज लाइक किसी ऑब्जेक्ट से, लाइक किसी भी दो, लाइक अगर ये ऑब्जर्वर है और ये खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इसके रिस्पेक्ट में अभी वो इसको रेफरेंस बना रहा है। सो ललन फाइंड दैट विद रिस्पेक्ट टू दिस ये इसकी पोजीशन है, और जब ललन यहां और इसके रिस्पेक्ट में ये ललन की पोजीशन है,
जब ललन यहाँ आ जाएगा तो इसके सपोज कर लो ललन यहाँ पहुंच गया, ललन यहाँ आ गया, तो अब ललन से पोजिशन बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, इसकी बदल जाएगी। तो ललन जैसे जैसे मूव करेगा, इस ट्री का नाम ट्री वन, इसका नाम ट्री टू रख दिया गया और ये चारू और डीपी है, तो ललन की पोजिशन जैसे बदलेगी तो ट्री टू से पोजिशन, चारू से, डीपी से, ट्री वन से उसकी पोजिशन बदल जाएगी। तो ललन ने अपने आप को पोजिशन जो उसका बदल रहा है किससे, अलग अलग सराउंडिंग से, उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजिशन बदल रही है, तो उसके बेसिस पे वो कह रहा है कि मैं मोशन में, आई एम इन मोशन। सो ललन के पॉइंट ऑफ व्यू में ललन खुद अपने आप को ऑब्जेक्ट भी मान रहा है और ललन अपने आप को ऑब्जर्वर भी मान रहा है। और ये बाकी सब क्या हुआ, टी वन, टी टू, मटका, दिस टी थ्री, दिस टी थ्री, दिस लैम्प, राइट, ये लैम्प और ये राम, भरत, चारू और डिप्री, ये सब क्या हुआ ललन के लिए, सराउंडिंग हो गया और इन सराउंडिंग से उसका पोजिशन बदल रहा है। तो सराउंडिंग क्या हुआ, एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट एंड जिसके रिस्पेक्ट में किसी का पोजिशन स्टडी किया जा सके, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो यहाँ पे ललन के अलावा जितने कुछ भी हैं वो सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। पोजिशन क्या है, किसी भी ये रेफरेंस पॉइंट से किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो डायरेक्शन है और जो लेंथ है, वो लेंथ एंड डायरेक्शन दोनों मिलकर क्या बनता है, पोजिशन, राइट। ऑब्जर्वर क्या होता है, जो देखने वाला है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो अभी तो इस केस में ऑब्जेक्ट ही ऑब्जर्वर है। नाउ लुक एट दिस, अब अगर राम से पूछा जाए कि राम ललन के बारे में बताओ, तो राम क्या करेगा, राम इसको ऑब्जेक्ट मानेगा, किसको, ललन को, और राम अपने आप को क्या मानेगा, ऑब्जर्वर मानेगा। तो अगर राम का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, किसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, राम का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, और राम का पॉइंट ऑफ व्यू से राम्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, राम कौन हुआ ऑब्जर्वर, ललन कौन हुआ ऑब्जेक्ट, और रेस्ट क्या हुआ, ऑल अदर्स क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए, सराउंडिंग बन गए, यहाँ पे सबके सब बाकी सराउंडिंग बन गए। तो राम ने ये देखा कि ललन एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बाकी से क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। और राम अपने आप से भी, राम खुद को भी ऑब्जर्वर मान सकता है और राम अपने से भी उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या कर सकता है, उसको भी स्टडी कर सकता है। लाइक ललन यहाँ था और जब ललन यहाँ होएगा तो कहेगा अरे अब तो राम से भी उसकी पोजीशन क्या हो रही है, बदल रही है, तो उस केस वो भी उसको भी देख करके वो क्या बता देगा, ये वो मोशन। सो माय डियर, सराउंडिंग क्या होता है, व्हाट इज सराउंडिंग, सराउंडिंग मींस, अब मैं आपको एक एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर, द वन हु ऑब्जर्व्स, राइट, दैट कुड बी अ कैमरा, दैट कुड बी अ ह्यूमन, दैट कुड बी अ लिविंग। अब एक एक चीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर the one who can observe, right, this could be living human being or any living, or camera को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा रोबोट भी बताता है, तो रोबोट की फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कैमरा, सो दिस इज ऑब्जर्व, लिविंग और कैमरा, रोबोट की बात, राइट, तो ये ऑब्जर्वर हो गए। सराउंडिंग क्या हुआ जी, व्हाट इज सराउंडिंग, सो anything which is around an object is all known surround, that could be a living or non living, kuch bhi ho sakta hai। position ki baat kare to position kya cheez hai bhai, to position mein aapko dhyan rakhna hoga ki koi bhi banda agar kisi ko dekh raha hai, like kisi bhi observer se kisi particular position ka, kisi reference point ka, matlab position is like it is length of position की बात करो, it is length of line with
direction, length of line with direction. It is length of line with a direction, right, which is used to exhibit, which is used to exhibit separation, which is used to exhibit separation of an object from observer or any other surrounding. Boss, देखिए क्या कहा है. It is length of line with direction which is used to exhibit separation of an object from observer or from any other surround. Like मान लो कि आप यहाँ पे आप observer है. You are observer, and this is some vehicle traveling in this particular direction by 2 meters, and there is some tree. There could be some, let's suppose, some other kind of landmark to mark किसी भी तरीके. So now this is the object. अब इस object का ये अपने से देखेगा तो ये क्या कहेगा, okay, this is length of line और जो direction, ये क्या कहलाएगा, इस object से position कहलाएगा. This is R. अब अगर ये बन गया, ये observer इसका इससे देख रहा होगा तो ये क्या कहलाएगा, R2, right? ठीक, ये बंदा ऐसा भी कर सकता है, इससे देख रहा हो इसकी पोजीशन, वो क्या कहेगा, भाई दिस इज R2. समझ में आ रहा बेटा? तो मतलब ही इज ऑब्जर्वर. सो दिस ऑब्जर्वर कैन, यू सी, मैंने पोजीशन के बारे में क्या कहा, इट इज लेंथ ऑफ लाइन विथ डायरेक्शन व्हिच इज यूज्ड टू एग्जिबिट सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर और फ्रॉम एनी अदर सराउंड. ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जर्वर से सेपरेशन क्या है, ये इस लेंथ से दिखाया जाएगा और ये डायरेक्शन से दिखाया जाएगा. ये इसका पोजीशन क्या है, कहलाएगा किसके रिस्पेक्ट में, इसके. नाउ इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां से देखा जा रहा है, तो ये एरो इधर बन जाएगा और तब क्या बनेगा, ओके, इस ऑब्जेक्ट का इस वाले लैंडमार्क से ये पोजिशन क्या आएगा, फिर इस ऑब्जेक्ट का इससे क्या कहेगा, तो ये एरो हम इधर बना देंगे और कहेंगे ये इसका पोजीशन. तो गेटिंग इट नाउ, अगर हम देख रहे हैं. अब अगर ये देखेगा तभी ये इसके इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन होगी, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन होगी. तो मैंने आपको ऑब्जर्वर क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, और ऑब्जेक्ट, यू नो, अब क्या बचा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट. तो भाई ऑब्जेक्ट अपने आप को, मतलब एक ऑब्जर्वर भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और एनीथिंग ऑल अराउंड इज, एनीथिंग कैन बी टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट. Now, what is time? So, you know, it is a physical quantity. It is a physical quantity which is used to designate an event with a particular. मतलब time एक ऐसा physical quantity हमने measure कर लिया है जो always change होता रहता है, and which is used to represent a phenomenon with that physical quantity, that when it happened. So time is a continuous changing physical quantity which is used as a reference to represent that when a phenomenon happened. So मैंने यहाँ पे time के बारे में बता दिया. Time, it is a continuous changing physical quantity which is used to represent that a particular event happened
a particular event happening instant. Matlab, it is continuous changing physical quantity which is used to represent a particular event happening instant. Matlab kis kshan wo hua, to usko represent karne ke liye hum log time ko use karte hain. So my dear friends, मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स लाइक ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, सराउंडिंग, पोजीशन एंड टाइम सबको रिप्रेजेंट किया। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप ये कह सकते हैं कि यार कमाल का टीचर है, रेस्ट एंड मोशन को डिवाइड करना था, ये सिंपल आंसर उसने एग्जैक्ट नहीं किया और वो सीधा सीधा इन सारी बातों को समझाने की कोशिश की। ओके, नाउ माई पॉइंट इज, अगर हम ये सब कुछ समझते हैं, ऑब्जर्वर क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, पोजिशन क्या होता है, तो मैं अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। दिस इज अ, सपोज कर लो हम लोग एक डार्क टनल लेते हैं, सपोज ये एक टनल है, डार्क टनल, कैसा टनल है, डार्क टनल, इसको हम लोग कह रहे हैं दिस इज अ डार्क टनल, डार्क टनल, ध्यान से समझना। और आप इसमें यू आर ट्रेवलिंग, अब जा रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा है, तो आप दूर कहीं पे, मतलब दूर आपको पता है कि इधर कहीं मतलब ब्राइटनेस है और आप यहां से एंटर कर रहे हैं, तो जब डार्क टनल में आप चलोगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो उस टाइम पे आपको क्या मोशन का एहसास हो सकता है कि आप चल रहे हो या नहीं चल रहे, मतलब यू आर ट्रेवलिंग बट यू डोंट नो दैट यू आर ट्रेवलिंग और नॉट, आपको एक भ्रम की स्थिति हो जाएगी। आपने देखा होगा हम भारतीय रेलवे से ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारी गुफाओं में ट्रेन पास करती है और उन गुफाओं में अगर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है तो हमें ट्रेन की सिर्फ चलने की आवाज से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हमारी ट्रेन चल रही है, अदरवाइज तो हम यही मानते हैं कि यार ये तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। इसका मतलब कि हमें एहसास कौन दिलाता है कि हम मोशन में है या नहीं है, तो हमें एहसास दिलाता है सराउंडिंग। अब इस डार्क टनल में क्या हुआ, सारा का सारा सराउंडिंग जो है वो कंप्लीटली डार्क है, विच इज नॉट विजिबल, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अब एक रेफरेंस मान करके और उससे अपनी पोजीशन को चेंज होता हुआ देख ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब कि हमें मोशन का एहसास कौन दिलाता है, सराउंडिंग दिलाता है। पोजीशन चेंज करने का एहसास कौन दिलाता है, सराउंडिंग दिलाता है, दैट इज व्हाई सराउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ क्या दिलाएगा, टाइम, कि भाई सराउंडिंग जब चेंज हो रहा होगा तो ओके इस टाइम पे इतनी सराउंडिंग थी, इस टाइम पे ये सराउंडिंग था, इस टाइम पे ये सराउंडिंग था, तो सराउंडिंग और टाइम ये दोनों मिल करके हमें पोजीशन चेंज का एहसास कराते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो चेंज ऑफ पोजीशन इज रियलाइज्ड with the help of surrounding and तो change in position को हम लोग इसे देखते हैं। और अगर position change नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा, let's see how, please understand, change of position is realized with the help of surrounding and time। अब अगर कहेंगे कि क्या सर time के बगैर, मतलब क्या टाइम के बगैर हमें चेंज इन पोजीशन नहीं पता चल सकता, तो जरा गौर से देखो टाइम के बारे में क्या लिखो, इट इज अ कंटीन्यूअस चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट इस इंस्टेंट पे हो रहा है। तो टाइम तो एक ऐसा चीज है जो हर वक्त चेंज होएगा। पोजिशन चेंज जब हो रहा होता है सराउंडिंग के हेल्प से होता है, लेकिन कितना पोजिशन चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ और कब कब किस सराउंडिंग के पोजीशन में थे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टाइम की मदद लेते हैं। सो इनफैक्ट चेंज इन पोजीशन इज रियलाइज विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग, राइट, एंड टाइम एक तरीके से हमारे लिए हेल्पिंग फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें डेजिग्नेट करता है कि किस टाइम पे हम कहाँ पे थे और किस टाइम पे हम कहाँ पे होंगे और कितने टाइम में हमने क्या पोजीशन चेंज किया। तो इसका मतलब सराउंडिंग के बगैर आप चेंज इन पोजिशन को रियलाइज नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, और ये भी ध्यान रखना है कि मोशन की जब भी बात करेंगे, रिस्क की जब भी बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने इस डार्क टनल में आपको इस एग्जाम्पल को जो दिया
मैंने ये बताया कि यहाँ सराउंडिंग बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज कर लो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक इस तरीके के सराउंडिंग में फंस गए, कंप्लीटली एक इस तरीके का सराउंडिंग है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, राइट। माय गॉड, जस्ट अ मिनट गाइस। This will not help us. तो ये तो हमारे लिए गड़बड़ हो गया। So how to go with this undo? Undo? Yeah, that's good. तो मैं ये कह रहा था, right? I'll have to use this particular. I have to use this particular. So let's see, मैं ये use करूँ। I'm using this one. That's good. So what I mean to say is, suppose आप इस तरीके के surrounding में फंस गए, चारों तरफ आपके पास ये है। अब अगर इसमें कोई बंदा, मतलब यहां कहीं पे बंदा है, let's suppose, what I mean to say, अब suppose ये इस तरीके से चारों तरफ water है, you see what I'm trying to say. बहुत दूर तक आप कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे, राइट। अब आप मुझे बताओ कि अगर इस तरीके का सराउंडिंग है आपको चारों तरफ, बिल्कुल व्हाइट 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 व्हाइट, राइट, और आप यहां बैठे हैं, तो अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो आप किससे अपना पोजिशन देखेंगे? आप खुद ही हैं इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको तो हर तरफ क्या मिल रहा है जी, एवरी ईयर हर तरफ एक जैसा सराउंडिंग है, तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनरली दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े दरिया में चले गए, बोट से आप जाया जा रहे हो, और बिल्कुल ऊपर, मतलब आपके रेफरेंस के लिए आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, एवरीवेयर यू फाइंड एवरीथिंग इज ऑल सेम, तो उस केस में आपके कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मिल पा रहा है, तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको पता नहीं। तो मैंने इस एग्जाम्पल से और इस एग्जाम्पल से आपको ये रिप्रेजेंट कर, ये बताने की कोशिश की मैंने, यू सी सराउंडिंग इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दैट फ्रॉम देयर फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग हम लोग अपने पोजीशन चेंज का एहसास कर पाते हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी बात बता दी, अब हम अपने आप को रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने की स्थिति में ला सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन। सो स्टेट ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन क्या है? State of rest का definition क्या है भाई? So I say that when position of the object does not change with respect to surrounding and time as seen by the observer, then body is said to be at rest with respect to that observer. So idea is that what I'm saying is ये बहुत important बात हो गई। We are saying that observer. तो देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर इस स्टेटमेंट में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है
और उसका पोजीशन सराउंडिंग से नहीं बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और उसको देखने वाला ऑब्जर्वर कोई और है, तो वो खट से कह देगा ऑब्जर्वर कि यार ये बंदा ना इस बंदे की पोजीशन सराउंडिंग से चेंज हो रही है, इस काम के लिए बोल रहे इस पे। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ इज ऑब्जर्वर, तब भी सही है, राइट। लेकिन ये बात उस ऑब्जर्वर के लिए सही हो सकती है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो सही हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं यहाँ पे सपोज कर लो कि देर इज अ साइकिल, ये साइकिल के दो टायर हैं, और आई एम नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर साइकिल, सपोज कर लो, एंड समबडी इज एबल टू दिस साइकिल इज ट्रेवलिंग। अब अगर इस साइकिल के इसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाए और इसको ऑब्जर्वर मान लिया जाए तो पूछा जाए, भले ये साइकिल चल रही है, मैं अगर इस ऑब्जर्वर से पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कहेगा यार मेरा जो लेंथ है राइट इस ऑब्जेक्ट से जो पोजीशन है दैट विल रिमेन दिस ओनली। तो आप साइकिल तो चल रही है, इस साइक्लिस्ट को लग रहा है कि यस आई एम इन मोशन चूंकि सराउंडिंग से मेरा पोजिशन बदल रहा है, बट अगर इस टायर के बारे में पूछा जाए तो ये टायर इस टायर के बारे में क्या कहेगा। वो कहेगा कि यार मेरे मतलब यू सी डोंट ट्राई टू टेक दिस लाइक, मतलब वैसे तो यहाँ पे भी कहानी बड़ी बन जाती है कि ये टायर है और ये टायर है, जस्ट आई शुड नॉट टॉक दैट मच इन डिटेल। तो फिलहाल इस टायर से इस टायर के बीच में, या एक काम करते हैं इस बात को छोड़ देते हैं और इसके ऊपर एक सपोज कर लो यू सी आई एम नॉट एबल टू मेक अ गुड साइकिल, तो मैं आपसे सिर्फ ऐसे कह रहा हूँ कि सपोज कर लो कि एक साइकिल या एक इस तरीके का कोई सब्सटेंस है और वो ट्रेवल कर रहा है और इस पे दो लोग बैठे हैं, एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, ऐसे दो लोग हैं एंड दिस इज गोइंग बाय 2 meters per second राइट। इसको हम लोग छोड़ देते हैं। सो इफ ही इज ट्रेवलिंग बाय 2 meters per second तो ये बंदा इसको क्या देख रहा है, लाइक बस चल रही है, बस में एक पैसेंजर है, दूसरा पैसेंजर को देख रहा है, तो बस के इस पैसेंजर के लिए इसको ये पैसेंजर क्या है, रिस्क में है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सो मतलब अगर यहाँ पे कोई बंदा बाहर है, इस बाहर वाले बंदे ने इसको क्या देखा, यू विल फाइंड दैट ही इज इन मोशन। ये वाला बंदा इसको क्या देख रहा है कि यार इसकी पोजीशन बदल ही नहीं रही है। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग दैट व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम एज सीन बाय द ऑब्जर्वर देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। मतलब वो उस ऑब्जर्वर के लिए सही है, ऑब्जर्वर बदलेगा उसके लिए सिचुएशन बदल जाएगी तो उसका कमेंट होगा। सो नाउ सिमिलरली अगर स्टेट ऑफ मोशन को डिसाइड करना हो, स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, तो विल से दैट, मेरे ख्याल से मैंने ये बात बता दी। अगर आप स्टेट ऑफ मोशन की बात करें तो व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या चीज है भाई, व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। सो व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट does change when position of the object does change with respect to surrounding and time as seen by the observer, object to observer ho sakta, dhyan rakhna, as seen by the observer then the body is said to be in motion with respect to that observer by us observer ke liye wo motion mein kehlaye। So this is about rest and motion ke definition। तो इस बात से हमने क्या समझा भाई, अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में देखा कि ओके ए और बी, आई मीन दिस बस इज ट्रेवलिंग बाय 2 meters per second, ये बंदा यहाँ खड़ा है, ये बंदा यहाँ खड़ा है, ए के लिए बी के लिए ये क्या है, रेस्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्ट एंड मोशन जो है
वो ऑब्जर्वर के हिसाब से। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक हम सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, राइट, हमें पूरा लगता है कि हमारा घर कहीं नहीं जा रहा, हमारी पूरी पृथ्वी जब भी ट्रेवल कर रही है, बट वी ऑल नो दैट हमारा मकान पर्टिकुलर जगह पे एक ही पोजिशन पे पड़ा हुआ है और वहीं पे फिक्स है। इसका मतलब अगर मून से हमें कोई देखेगा तो वो देखेगा कि हमारी पृथ्वी घूम रही है, वो उसको लगेगा कि हमारा मकान घूम रहा है, बट हमारा मकान हमारे साथ वाले मकान के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो हमारे साथ वाले मकान ने हमें देखा तो हमें वो कहा कि वो रेस्ट में है, हम खुद भी देखें तो हमें आजू बाजू के मकान से हमारी पोजिशन नहीं बदल रही है हमारे मकान हमारे हाउस की, तो इसका मतलब वी आर एट रेस्ट। बट इफ वी आर ऑब्जर्व फ्रॉम आउटर वर्ल्ड मीन्स मून से, सम अदर स्पेस शटल से हम देखे जा रहे हैं, तो वी फाइंड दैट वी आर इन मोशन। सो इसका मतलब क्या हुआ, नोट करके कुछ सीखने वाली बात है, नोट करके सीखने वाली बात क्या है। या अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जरा गौर से देखो, गिव वन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई एग्जांपल दे दो तो आप क्या दे पाएंगे। इफ यू से ट्री, अगर आपका आंसर ट्री है, यू से हाउस, राइट, एब्सोल्यूट रेस्ट का, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ट्री जो है, ट्री जिसको आप कह रहे कि एब्सोल्यूट रेस्ट में, कोई बंदा बस से गुजर रहा होगा तो उसको लगेगा कि ट्री की पोजीशन बस के रिस्पेक्ट में बदल गई, तो वो कह देगा कि ट्री मोशन में, तुमको ट्री थोड़ी मोशन में, बस मोशन में, बट उसको दिखाई क्या देगा, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ट्री का पोजीशन चेंज हो रहा है, तब तो वो कहेगा कि ट्री मोशन में। और बहुत ढंग से याद करो, जब बहुत छोटे थे आप और ट्रेन में जब जाते थे और जब तक ये आपको किसी ने बताया नहीं था, तो जब आप ट्रेन से बाहर देखते थे कि जो ट्री है वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही, तो आपको लगता था कि वो मम्मी देखो ट्री जा रहा है, ट्री जा रहा है। बाद में आपको समझाया गया, कह रहे रे ट्री तो रेस्ट पे है, हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि व्हाट आई मीन टू से दैट, कि आपको लगता है कि ट्री मोशन में, ट्री फिर किसी ने आपको समझा दिया कि नहीं कि ट्री के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, तो आप कैसे कह सकते हैं, दिखता तो आपको यही ना कि ट्री मोशन में है, राइट, आपको आपका हो कि मेरा हाउस रेस्ट में है, बट अगर कोई अर्थ के ऊपर से मून से देखेगा तो कहेगा आपका हाउस मोशन। तो जब किसी के लिए वो मोशन में बदल सकता है तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, इसका इस बात का आंसर है नन, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ठीक उसी तरीके से अगर एब्सोल्यूट मोशन का एग्जांपल पूछ लिया जाए तो वो भी नहीं है, उसका भी कोई एग्जांपल नहीं है। इस बात का मतलब हुआ, अब इस बात से हमको समझ पाए हैं, और वो ये है, नोट करके समझना, पहली बात, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स मतलब there is no example of absolute rest or absolute motion. इसका कोई example नहीं, relative state मतलब क्या हुआ, a body at rest with respect to one observer may be in motion with respect to another observer. So iska matlab rest and motion relative states hain, absolute states nahi hain। मेरे ख्याल से बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स ठीक है ना, दे आर नॉट, देयर इज नो एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन का कोई एग्जांपल नहीं है, यानी कि एक बॉडी जो रेस्ट पे है किसी के लिए वो दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेस्ट एंड मोशन समझ पा रहे होंगे, राइट। सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा। So let's talk about this particular question. See, मैंने यहाँ एक question रखा है। मान लो कि ये एक surrounding हमने
This is once around. ओके फिर हमने Now look at this here. अब एक एक छोटा सा और बना लेते हैं. Yes. So the question is like this. मैं दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन क्या है. See. So मान लो यहां पे this is observer O बैठा. Sorry guys. I'll take another thing. This is O. This is O. And इस पे A travel कर रहा है. इस पे कौन travel कर रहा है? A travel कर रहा है. और इस पे कौन travel कर रहा है? B travel कर रहा है. I take it this इस पे कौन travel कर रहा है? I said कौन travel कर रहा है? A travel कर रहा है. और इस पे कौन travel कर रहा है? B travel कर रहा है. इस पे A travel कर रहा है. इस पे B travel कर रहा है. You know, इसका रेडियस आपने बोला R1, इसका रेडियस लिया आपने R2. तो ये R1 रेडियस पे घूम रहा है A और R2 रेडियस पे घूम रहा है B. और अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक बड़ा सा ठीक है. नाउ ये सराउंडिंग है बेटा. नाउ आई टेक इट लाइक दिस. ये सराउंडिंग है हमारा. तो ए और बी मतलब वो ऑब्जर्वर है. ए इस आर वन पे घूम रहा है, बी इस आर टू पे घूम रहा है और ये हमारा सराउंडिंग है कंप्लीटली. अब मैं अगर आपसे पूछूं राइट मेरा सवाल है दैट ए एंड बी मेरा सवाल है दैट ए एंड बी आर मूविंग ऑन रिस्पेक्टिव सर्कल एंड कंप्लीट their revolution. A and B are moving on respective circles simultaneously and complete their revolution in equal time. मतलब दोनों यहां, ये यहां से स्टार्ट कैसे चल रहा है, बी यहां से स्टार्ट होकर चल रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और ये सराउंडिंग है बेटा. तो अब मेरा सवाल है विथ रिस्पेक्ट टू ओ. ये क्वेश्चन वन है. विथ रिस्पेक्ट टू ओ ए इज एंड बी इज, बताओ यहां क्या लिखोगे, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. सो बताओ जी क्या होगा. तो यहां पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओ ए इज ऑब्वियसली O का O देखेगा तो O क्या फाइंड करेगा, यार मेरे ये लेफ्ट यहां पे था, मेरे वो इधर था, मेरे वो इधर था, तो O तो बिना सराउंडिंग के ही, सराउंडिंग के मदद के, क्योंकि O अपनी जगह पे खड़ा है, वो अपनी जगह पे खड़ा है, तो वो क्या करेगा कि कभी वो मुझे यहां दिख रहा है, कभी वो मेरे 90 डिग्री पे दिख रहा है, कभी वो मेरे पीछे चला गया, कभी वो इधर दिख रहा है. सो विदाउट हेल्प ऑफ द सराउंडिंग वो अपने आप से ही देख करके उसको जज करके बता देगा A is in motion and B is in motion. So with respect to O, A is in motion. A is in motion. और यहां पे क्या हुआ? He is also in motion.
जरा गौर से देखना, मैंने बोला ये सराउंडिंग है, ओ यहाँ पे बैठा हुआ, ओ ने जब ए को देखा तो ओ क्या देख रहा है कि अरे कमाल है, मेरे सामने खड़ा था यहाँ पे ये, और अब ये यहाँ आएगा, अब ये मेरे पीछे चला जाएगा, अब ये मेरे पीछे चला जाएगा, ऐसे आकर लौट के आ रहा है। तो ओ तो ए के मोशन को जज कर लेगा, क्योंकि ए ओ से ए की पोजिशन हर वक्त कैसे बदल रही है, अभी ये है और अब इधर है, अब इधर है, तो इसकी पोजिशन बदल रही है, तो ठीक उसी तरीके से वो बता रहा है। नाउ इसमें क्वेश्चन नंबर टू है, दैट क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज इन, बताओ क्या लिखो, थिंक एंड टेल, विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज। सो आप जरा सोचो, आप ये कहोगे कि यार ए और बी ये इनके बीच का डिस्टेंस है, थोड़ी देर बाद मतलब अगर मैं इस डायग्राम को यूज करूं, थोड़ा इसको अगले पेज पे इस डायग्राम को और बनाता हूं। सवाल ये विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज इन व्हाट, क्या कैसे बताएंगे आप कि वो रेस्ट में है या मोशन में, क्या जवाब होगा? तो आप सोच करके देखिए, तब तक मैं आपको पेज बदल के आपको ये समझा रहा हूं। तो नाउ ये थोड़ा ठीक नहीं बना, सो ना Yes, I take it like this. So now the point is, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, A का position, look at this, A का position ये है, A का position ये और B का position ये रहा, और यहाँ A है। So and you know, अभी पिछले केस में हमने एक surrounding भी लिया था, हमने एक सराउंडिंग भी लिया था भाई, उसका कलर अलग था हमारा, तो हमने सो सी ए ए सवाल क्या था हमारा, सवाल ये था विथ रिस्पेक्ट टू ए बी क्या है। सो ए जब बी को देखेगा तो कहेगा ओके वो मेरे से राइट में इधर की तरफ है, और थोड़ी देर बाद ये लाइन देख लो, ए यहां होगा बी यहां होगा, अभी भी ए से बी राइट ही है और उतनी ही लेंथ है, जो ये लेंथ है और ये लेंथ है सेम है, फिर थोड़ी देर बाद ए यहां होगा और बी यहां होगा और अभी भी वो लेंथ सेम है, फिर थोड़ी देर बाद ए यहां होगा और बी यहां होगा और अभी भी लेंथ क्या है सेम है। एंड यू सी ये भले बदल रहा है बेटा, लेकिन ये सराउंडिंग जो है ये बिल्कुल सेम है, सेम सराउंडिंग। सो बी को एहसास होगा कि मैं चल रहा हूं राइट, क्योंकि वो ओ के रिस्पेक्ट में अपने को कहेगा कि यार बी मेरे को यहां है, बी यहां कहेगा कि अब ये पोजिशन बदल रही है, बट ए और बी की बात हो रही है यहाँ, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो क्या फील, वो ने तो बता दिया ए और बी के बारे में, यहाँ सवाल है कि विथ रिस्पेक्ट टू ए बी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज इन व्हाट, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज इन व्हाट। ए से बी ऑलवेज राइट है, उतने ही लेंथ पे है और सराउंडिंग ऑल द टाइम सेम है, तो सराउंडिंग बदल ही नहीं रहा, तो सराउंडिंग बदल ही नहीं रहा तो ए को बी के बारे में क्या कहना पड़ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए B is at rest. That's what the point is. So, ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं. So, that's what my point is.
अब मैं आपको एक होमवर्क दे दे रहा हूँ यहाँ पे. आई गिव यू अ होमवर्क एंड देन सी हाउ डू यू डील विद दिस. सो एक लास्ट पेज पे ये होमवर्क है. दिस इज होमवर्क थिंक राइट. सो आई टेक दिस ड्रॉइंग हियर राइट. This is a square. I take another. Another square here. Right. ये दो square लिया मैंने. And this is this one. Now this is a, here is A. यहाँ पे कौन है? A. O है. And this is, here is A and here is B. B चल रहा है इस पे इधर की तरफ, ऐसे ट्रेवल करेगा. और A है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है. राइट. क्वेश्चन में बनाया जा रहा है A and B are moving on their respective square path simultaneously and they complete their revolution in equal time and keep moving. then aapse pucha ja raha hai then With respect to A, B is at rest or in motion. ये आपको क्वेश्चन मार्क. और इनके अलाउड लाइक अब यहाँ पे जो सराउंडिंग है इनका इसमें लिखा हुआ है. दिस पहले इसको मैं दिखाता हूं आपको. So this is same surround. So now I say this is same surround. So अब बताइए कि with respect to A, B is at rest or in motion. ये homework है, right? So मुझे उम्मीद है कि रेस्ट एंड मोशन आप समझ गए. फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. थैंक यू वेरी मच. दिस लेक्चर गेट्स ओवर. रेस्ट एंड मोशन इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. गॉड ब्लेस यू. ऑलवेज गो थ्रू द वीडियो वेरी वेरी सिंसियर. अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फंडामेंटल इन डीप. गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट. थैंक यू वेरी मच.